गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। एंड आज हम शूट करेंगे व्हाट आई ईट इन अ डे, क्योंकि मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं रिसेंटली। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है एंड मैंने अपना लाइफस्टाइल जो है थोड़ा बहुत चेंज करा है, बिकॉज आई वांट टू बी लाइक बहुत ही स्किनी मुझे बनने का शौक है और अपना वेट को 5-6 किलो और गिरना है मुझे। सो अभी मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, लाइक मैं वैसे उठती थी 9:30 और 10 o'clock अपने काम काज सब कुछ निपटा के, लेट नाइट कॉल्स वगैरह सब निपटा के क्लाइंटों की, बट अब मैं सो जाती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10:30 और 11 o'clock के आसपास। एंड मैं मॉर्निंग में उठ गई थी आज 7:30 एंड अभी है 8 o'clock एंड मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। एंड ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं कुछ कॉल्स लेके जाऊँगी जिम, एंड जिम के बाद आई शो यू मैं क्या खाती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में अगर मैं हैवी ब्रेकफास्ट कर लूँगी तो उसके 1 से 2 घंटे के बाद मैं जिम निकल जाऊँगी और उसके बाद वापस आने में मुझे बच जाते हैं 1, एंड 1 बजे आकर लंच करना लाइक ब्रंच हो जाता है। एंड ऐसे करने से कभी कोई इंसान वेट नहीं लॉस कर पाएगा। सो हैवी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में जो इंसान कर लेता है उसका वेट इंस्टेंट गिरता है। सो अब मैं करने जा रही हूँ अपना हैवी ब्रेकफास्ट। सो लेट्स सी आज क्या बना है, आई विल शो यू। सो दिस इज़ माय चपाती, जौ एंड बेसन का चपाती, एंड सब्जी जो बनी है वो है घिया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक 1 स्पून ऑफ घी। नेक्स्ट सो यहाँ पे मेरे पास है चुकंदर एंड प्याज का सैलेड एंड सम पिकल, आम का अचार। सो या दिस इज गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट नाउ। सो गाइज फॉर माई ब्रेकफास्ट मेरे पास है दिस ब्रेड, एंड ये जो ब्रेड है ये सोया एंड ब्राउन राइस ब्रेड है। ये मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है फ्रॉम मॉडर्न बाजार, बट ये वाला ब्रेड लूँगी मैं एक स्लाइस मिड ब्रेकफास्ट में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज इस ब्रेड के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही आधा सा भी आधा चम्मच जैम का, बिकॉज आफ्टर अ इंटेंस वर्कआउट माई बी पी इज़ क्वाइट लो अभी। दिस इज़ अ रास्पबेरी जैम, सो या दिस इज़ गोइंग टू बी माई मिड मील। माई फेस, मेरा जो फेस है वो बिल्कुल डेड दिख रहा है, बट आफ्टर इंटेंस वर्कआउट और वो भी आज लेग डे था। सो दिस इज टेस्ट जो है इसका, ये बहुत ही सॉफ्ट, नहीं कह सकती सॉफ्ट ब्रेड नहीं है ये, दिस इज़ लाइक थोड़ा सा हार्ड बट अच्छा है, क्रंची है। और इस ब्रेड के अंदर बहुत सारे सीड्स भी हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड, एंड दिस इज रियली गुड। ओके सो गाइस मैं डाल रही थी कांजी। कांजी होती है एक आई गेस पंजाबी ड्रिंक ही होती है, रेड कलर का, जो सर्दियों में डलती है, बिकॉज सर्दियों में हमारे पास आती है रेड कलर की गाजरें। सो ये जो गाजर मैंने यूज़ करी, इट्स लाइक मरून, डार्क मरून एंड चुकंदर। दिस इज़ रियली गुड अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, बट जिन जिनको टॉन्सल्स का इशू होता है वो लोग ये ना लें, क्योंकि ये बहुत खट्टी हो जाती है। सो मैं जस्ट अभी बना रही थी एंड मुझे लगा कि नहीं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं शूट करती हूँ इसकी रेसिपी। सो अभी तक मैंने क्या किया है, 3 चुकंदर, 4 लाल गाजरें छोटी छोटी स्लाइस में अभी डाली है इसके अंदर, मतलब पील करके चॉप करिए, एंड इसके अंदर मैंने डाली है रई। रई बोले तो दिस इज़ रई, जो छोटे छोटे दाने होते हैं। सो ये मैं अभी डाल ही ली थी, थोड़ी सी और मैं डालूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे रख दे बच्चे, बस बेटा। ओके नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी फुल 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अभी ये पानी में जाएगी तो सॉल्ट पूरा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा और। ओके नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी और कर देते हैं बिकॉज मेरे घर पे मेरी फैमिली आती है, सो वो लोग स्पाइसी प्रेफर करते हैं सब कुछ, उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये गाजरें यहाँ पे तैयार है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ,
सो हेयर आई हैव मटका, पानी का भरा हुआ, इसमें आधा पानी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये सारी गाजरें जो मेरी ये चॉप हुई थी। सो गाइस, इसमें मैं डाल रही हूँ सारी गाजरें। अपना हाथ मत यूज़ कीजिएगा, ये पूरा रेड कर देता है हाथों को। लेकिन ये सारी गाजरें, अब इस मटके को हम यहाँ तक पूरा फिल कर देंगे पानी से और इसको कवर करके रखेंगे 10 दिन तक, और उसके बाद दस वाटर इज एब्सोल्युटली रेडी। सो अभी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर पानी और ओके, सो या दैट्स इट। कवर करेंगे, धूप आती है तो धूप में रखेंगे, अदरवाइज किचन में कहीं पे भी एक कोने पे पड़ा रहे तो ठीक है। इसको एक बार दिन में हम हिलाएंगे पूरा अच्छे से एंड या दैट्स इट। ओके गाइस, सो मैं अपने रूम में हूँ और मैं कर रही थी अपना काम, एंड लेग्स में मेरे बहुत ज़्यादा पेन है बिकॉज बहुत टाइम बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा है। एंड अभी मैं ले रही हूँ फॉर डिटॉक्स के लिए, दिस इज़ लाइक करेले का जूस, एंड 3 करेला छोटा लिया था एंड उसका जूस है ये, एंड इसके अंदर मैंने एक लेमन स्क्वीज कराया है। सो या एंड अब लंच के लिए देखेंगे क्या लंच क्या यार, 4:30-5 तो बज गए हैं। इवनिंग में अगर एक सैंडविच बना के खाऊंगी तो, बिकॉज मैंने बहुत सारे हम्मस ले रखे हैं, सो बहुत यम है वो हम्मस। सो शायद से सैंडविच बनाएंगे, चिकन टिक्का सैंडविच या चिकन का कोई सैंडविच, बहुत यम सा। सो या टिल द टाइम टेक केयर, बाय, आई विल सी यू इन द इवनिंग गाइस। ओके, सो मैंने डिनर के लिए सोक करके रख रखे हैं रेड राइस, एंड ये अभी भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं पकने में, इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। सो अब हम बनाते हैं रेड राइस फॉर डिनर। सो इट्स लाइक 30 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक ये राइस जो हैं पके नहीं हैं मेरे, एंड इसको मैं चेक करती हूँ फिर से। चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है बट राइस नहीं पके अभी तक, जस्ट 2 मिनट्स ये और लेंगे। सो 30 मिनट्स लेके चलो कि अगर रेड राइस हमें बनाने हैं और खाने हैं तो। सो अब मैंने यहाँ पे लिया है पैन, अब मैं इस राइस को तड़का लगाने की सोच रही हूँ। सो लेट्स सी इट। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे गैस। गैस के ऊपर हम रखेंगे हमारा एक स्टील का बर्तन जिसके अंदर हम अपने जो रेड राइस है वो बॉईल करने रखेंगे। सो यहाँ पे मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ जिस पानी में मैंने सोक किए थे, ये मैंने जस्ट हाफ छोटी कटोरी मैंने सोक किया था राइस, एंड इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ चिकन के 2 पीसेस। सो चिकन मेरे पास था रॉ, एंड ये मैं चिकन के कुछ पीसेस डाल रही हूँ, 1 पीस 2 पीस एंड 2 और बॉइलिंग के लिए साथ साथ, 3 and 1 more, and yes, next is इसको अब मैं boil होने दूंगी। जैसे ही इसका पहला उबाला आएगा मैं इसको सिम कर दूंगी, एंड कम से कम इसे हम 30 मिनट्स के लिए boil होने देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और भी पानी डालूंगी अभी। सो ये कुछ गर्म पानी है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर और भर दिया। या सो जैसे ही इसे पहला उबाला आएगा उसके बाद हम इसको सिम करके 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे। हम्म,
सो गाइज अब हम इसको कुक होने देंगे फॉर 2 मिनट्स और सिम फ्लेम पे, एंड उसके बाद बंद कर देंगे हम गैस बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली रेडी।